हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो आज बात करते हैं पारस ठकराल की। पारस ठकराल की जैसा कि आप लोग जानते हैं एंगेजमेंट हो चुकी है। काफी लोग शक कर रहे थे कि शायद ये स्नेहा सचदेवा ही है जिससे दोबारा से पारस जो है वो एंगेजमेंट करके शादी कर रहे हैं। काफी लोगों के विचार थे कि पारस की शादी, हमने इससे पहले आपको बताया था, बहुत लोगों ने नाम जो है नेहा से भी जोड़ दिया था क्योंकि शायद एक शहर या एक मतलब समय पे ही दोनों की एंगेजमेंट हो रही थी। इसलिए अब बात सामने आई है कि पारस की सगाई जिससे हुई है वैशाली नाम है। वैशाली का भी इतिहास रहा है जिसको हम लोग जानते हैं या हम लोग ने सुना भी है। सबसे पहले आपको बता दें, पारस की जो फर्स्ट वाइफ है स्नेहा सचदेवा, उनसे पारस का डिवोर्स हो चुका है। दोनों का एक बेटा है जिसको कि पारस ने अपने पास रखा है। इसलिए कह रहे हैं पारस ने अपने पास रखा है क्योंकि कोई माँ भी नहीं छोड़ना चाहेगी जब तक उसके पास कुछ ऐसी कंडीशन नहीं रख दी जाएगी या कुछ इस तरह की चीजें नहीं बोल दी जाएगी, रखा जाएगा जब तब तक वो नहीं छोड़ेगी। पारस और इनके बीच में क्या डील हुई है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा कुछ कंडीशन रखा गया, ऐसा कुछ किया गया कि पारस के पास हृदय को छोड़ा गया, यानी कि स्नेहा सचदेवा को मजबूरन ही सही अपने दूध पीते बच्चे को हृदय को पारस के पास छोड़ना पड़ा और फिर वो अपना जो है डिवोर्स हुआ और ये अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं। अब जब इन लोग की एंगेजमेंट फोटोज वीडियोस हुई जिसमें कि मुंह पे स्माइली लगा दी गई, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करते हैं? कौन से बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं कि सलमान खान और शाहरुख खान ने भी इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं किया जितना ये सो कॉल्ड व्लॉगर्स करते हैं। अब जो वैशाली है वही है जिनका नाम पहले भी आ चुका है डिवोर्स के समय, जो आपका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी सचिन वाली, उसमें वैशाली का नाम आया था। कहीं ना कहीं हमको भी लगता था कि स्नेहा का जब ये अच्छी खासी शादी चल रही है, वो बच्चा है, तो वो चीट करने का काम नहीं कर सकती है। कहीं से भी देख के नहीं लगता था कि वो चीट करेगी। उसी के घर में रह रही, उसी के पास फोन है, पारस के पास ही सब कुछ है। दरअसल ऑलरेडी पारस चीट कर रहा था उस समय, इसके साथ शादी के बाद बच्चे अच्छे होते समय, किस समय वैशाली के साथ रिलेशनशिप में हो गया और उसी की वजह से इसने स्नेहा को चीट किया और तलाक तक दिया, जिसका अब सामने आ रहा है कि अगर ये वही वैशाली है तो कारण स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल के अलग होने के कारण ये वैशाली ही होगी, अगर ये वही वैशाली है तो। चूंकि पारस खुद नहीं अपने मुंह से कुछ भी क्लियर कर रहा है, क्योंकि क्लियर करता पाएगा अभी तुरंत बता देता है, एंगेजमेंट में बता देता है तो सारे वही हो जाते हैं कि अच्छा इसीलिए ऐसा, अच्छा इसीलिए, अच्छा इसीलिए। लेकिन ये सोकॉल्ड व्लॉगर्स इतने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, इतने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, और इनके जो अनभक्त होते हैं नीचे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आप लोग शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिलहाल कन्फर्म तो मुझे ये हो गया है कि स्नेहा सचदेवा नहीं है, वैशाली है। और वैशाली बता रहे ना, वही वैशाली है जिनके रहते, जिनकी वजह से स्नेहा के ऊपर झूठे ब्लेम लगा के अलग किया गया और उसके बाद डिवोर्स लिया गया। अब उसके बाद एवज में स्नेहा को क्या एल्युमनी दी गई वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ दिया गया जो थोड़ा बहुत, क्योंकि बिना दिए डिवोर्स होता नहीं। और अलग होने के बाद सबसे पहले शादी की बात अपनी लाइफ में पारस ही मूव ऑन किया। नाम क्या हुआ? बच्चे को माँ चाहिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। आप लोग देखिए, हम लोग को शुरू से लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इनकी जो वाइफ है उससे उन्होंने बच्चे की, होने वाली बच्चे की बात कराई है, जिसकी कॉल सामने बैठ के कॉल जो है ऑन कैमरा कराई है और टाइटल डाला है वीडियो का कि हृदय की हुई अपनी मम्मी से पहली बार बात। काफी क्यूट मोमेंट था, मम्मी से बात हुई। आपको बता दें कि मम्मी इनके कार ही में थी, देखिए नीचे आप लोग कमेंट्स पढ़िएगा, कार ही में बाहर थी, वो बाहर निकल गई और उसके बाद उनको कॉल कराया गया से। अब काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि वैशाली 3 महीने से इन्हीं के घर पे रह रही है, तो देखिए ये पुराना इनका वो है। स्नेहा भी इनके घर में आए दिन पटकी रहती थी और मतलब जो भी था हृदय भी शादी से पहले का था, आप लोग ने सब जानते हैं, जो कि पारस ने खुद ही अपने जब अलग होने की बात की थी तो उसने सारे फैक्ट्स बताए थे कि प्रेगनेंसी हो गई थी, गलती हो गई थी, और पता नहीं क्या क्या बताया था आपने उस समय, सुना होगा अगर पारस की वीडियो देखी होगी तो। और वो उस समय का मतलब उस समय की प्रेगनेंसी थी, इसलिए जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। अब वही चीज यही है कि ये जो दूसरी वाली है इसको भी 3 महीने से उसी के घर में है। देख मम्मी तो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही अच्छी है,
और इतनी अच्छी है कि उनका बेटा चाहे गलत कर रहा हो चाहे सही कर रहा हो, वो बेचारी सीधी सादी महिला अपने बेटे के साथ खड़ी हो जाती है। उनको हमें लगता है खुद अच्छाई और बुराई का एहसास नहीं होता है कि कितना गलत किसी लड़की के साथ हुआ है, तो हम चलो उस लड़की को ही सहानुभूति के दो शब्द कह दें। इल्जाम लगाया स्नेहा पे कि उसको घर का काम नहीं आता था, वो खाना बनाना नहीं आता था, वो बच्चे को फीड नहीं कराती थी। तो आप लोग खुद सोच लें, स्नेहा कितनी ही उम्र की थी, छोटी सी थी, सीख सलाई दुबली सी एकदम, नहीं करा पाती होगी। तो आजकल बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत फीमेल्स ऐसी हैं जो फीड नहीं करा पाते बच्चे को, तो वो नॉट अ, ये जो है नॉट अ बिग इशू, बहुत लोग नहीं करा पाते हैं। डब्बे का दूध इसीलिए आया है और उसके लिए, जब तक अगर हो पाता है, दूध बनता है तैयार जैसा भी है, तो बच्चे को माँ हमेशा कोशिश करती है कि पिलाने की। इसके अलावा खाना नहीं बनाना जानती, देखिए वो घर का सारा काम करती थी जो कि हम और आप सब देखते थे, सिर्फ खाना नहीं बनाना जानती थी। तो उसके सास को उसने इतना अच्छा वो किया हुआ था, मानती थी माँ जैसा, तो सास उसका बना दिया करती थी, वो हेल्प कर देती थी। अब अलग हो, जब किसी को अलग होना है, दूसरे के साथ अटैच है, तो उसको कुछ ना कुछ तो इल्जाम लगाना ही है। बिना इल्जाम लगाए कैसे लाखों सब्सक्राइबर्स है वो पूछेंगे क्यों छोड़ रहे हो, तो हर आदमी जब भी छोड़ता है तो वो इल्जाम यही लगाता है, उसका इससे चक्कर था, मैं कई बार मैंने पकड़ा था, उसका इससे था, इसका इससे था, इससे चैट करती थी, उससे चैट करती थी। आदमी कभी अपना क्या करता था, मर्ज कभी अपना क्या करता था करता है, वो कभी नहीं बताता है। सारे दोष सारे इल्जाम औरतों पे लगते हैं, वही इनके साथ हुआ, स्नेहा के साथ वही हुआ। इतनी चीजों के बाद बेचारी रोती बिलकती अपनी माँ के घर गई, उसको तलाक का नोटिस थमा दिया गया, तलाक कर दिया गया। फिर चलाक इतना है कि फिर वो उतने दिन रुका और अब फिर अब जो है जाके बच्चे के नाम लेके कि बच्चे को माँ की जरूरत है, शादी अगर उसी से हो रही, देखिए इतनी कहानी तभी लागू होती है अगर ये वही वैशाली है। तो फिलहाल आप लोग की क्या राय है इस मैटर पे, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आप दोनों मूव ऑन कर ही रहे हैं, ये अपने काम पे ध्यान दे दिया है इसने अलग होने के बाद। अभी तक फिलहाल तो हमने नहीं देखा कि कोई बॉयफ्रेंड है या कहीं शादी कर रही है या कुछ कर रही है, यह सिर्फ उसका पूरा फोकस अपने काम पे है। अगर किसी को अपने काम के प्रति डेडिकेशन और मोटिवेशन की जरूरत होती है तो वो स्नेहा ससलेवा को जरूर देखे, बहुत ही डेडिकेशन से अपना वर्क कर रही है, अपने कैरियर पे फोकस कर रही है। वहीं दूसरी जगह पारस को देखिए, आदमी है, बच्चे को माँ की जरूरत है तो उसको भी तो बीवी की जरूरत है ही है, तो फिलहाल वो दूसरी शादी करने के लिए एंगेजमेंट भी कर लिया है, लोगों को बेवकूफ पक्का बना रहा है। जितने भी व्लॉग्स है भाई, जैसे लग रहा है दुबई के किसी बहुत बड़े रईस के शेख के जो है बीवी, मुंह ढक के एकदम, क्या बताएं, देख के हंसी आती है। फेस रिवील होगा, लाखों व्यूज सब भी जाएंगे, 10-20 लाख ट्रेंडिंग पे जाएगा, ये सब इनकी स्ट्रेटेजी होती है व्यूज कमाने की, पैसा कमाने की और कुछ नहीं, और इमोशनल फूल बनते हैं सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जल्द हम आपके साथ मिलते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।